नमस्कार, मुकेश आर्टिस्ट की तरफ से आज हम आपको बता रहे हैं टाई एंड डाई की बेडशीट किस तरह से रंगी जाती है। टाई एंड डाई में बांधने की कला होती है। जितना आप बांध लेंगे, इसमें चना, राई, सादा धागे से, चिमटी से, सेफ्टी पिन से, जिस तरह से आप चाहेंगी बांध लेंगी, उतनी अच्छी डिजाइन बन जाएगी रंगों में। पहली बार हल्के रंगों से रंगा जाएगा, जैसे येलो, पिंक, और फिर उसके बाद हम उसको डार्क रंग से रंगाएंगे। दूसरे रंग से पहले हम पेंसिल से डिजाइन बेडशीट पर बना लेंगे। इस पर तीन दिल की लाइनें हैं और जिनमें हमने चना बांधा है, काला चना। इस चने को धागे से धागा लें, मजबूत वाला धागा आता है, ये चना है। मजबूत वाले धागा से हम कस के बांधेंगे, इतना कसेंगे कि ताकि रंग उसके अंदर ना जा सके। अगर धागा जरा भी ढीला है तो रंग उस रंगते समय उसमें रंग अंदर चला जाएगा और डिजाइन सही नहीं आएगी। अतः आप तीन बार धागा लपेटें और खींच दें, फिर दो तीन बार लपेटें, खींच दें और गांठ लगा दें। इसी तरह से नीचे बांधा हमने, इस तरह से तीन चार बार किया और खींच दिया कस के, फिर किया, खींच दिया और धागा में गांठ लगा दी। अगर आपको तकलीफ़ हो उंगलियों में, उंगलियां आपकी कट रही हों, तो उंगलियों में थोड़ा सा कागज़ लगा करके टेप लगा लें, सेलो टेप वगैरह कोई भी, तो आपकी उंगलियों का बचाव हो जाएगा और उंगलियां नहीं कटेंगी। ये देखिएगा, हमने बांध के दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बांध। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा ड्राइंग से संबंधित कुछ भी है जो आपको पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको बच्चों को किस तरह से पेंटिंग सिखाएं स्कूल में। अब हमने बांध लिया है चादर को एक, और अब हमने एक लीटर पानी एक गिलास लेंगे और उसमें 10 ग्राम रंग येलो का डाल देंगे और 4 चम्मच नमक है, सादा नमक है, यही सादा नमक डाल दें, या आप 2 चम्मच पिसी हुई फिटकरी डालें। इस पानी को हम थोड़ा और ज़्यादा, एक गिलास पानी और बढ़ा देंगे और गैस पर चढ़ा देंगे। गैस हाई से थोड़ा सा मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से खोल जाए। ये पानी जब पानी खोलने लगे भगवान कर लिया है, तो हम अब हम इसमें दूसरे बर्तन में इस पानी को डाल देंगे, बड़े बर्तन में, टब में या बड़ा भगोने में, और जितना रंगना है उतना ही हम पानी में डुबोएंगे, कलर वाले में रंगने की मदद से, क्योंकि पानी पॉलिथिन में कवर कर दिए, उसमें हाथ जलने का डर ना रहे, कपड़े पर रंगने की मदद से करेंगे। हो गया है शुरू। और जितना नहीं रंगना है उस पर हम पॉलिथिन चढ़ा देंगे और सुतली से या धागे से कस करके बांध देंगे, ताकि उधर कलर ना जाए। पानी एक ऐसी चीज़ है जो जरा सी भी जगह मिलती है उसमें चला जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। और हम जितने भी चने हैं वो सब डूबने चाहिए पानी के अंदर। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। ये पिलो हैं 2, इनको आपस में बांध लिया है, और डिजाइन वही है जो बेडशीट में थी, लेकिन इसमें छोटी डिजाइन है। इसमें दोनों को आपस में बांध दिया और उसमें डंडे की मदद से हमने अंदर कर दिया है, ताकि ये, बस इतना ध्यान रखना है बंधा हुआ कोई भी पीस ऊपर वाला जो रंगना नहीं है वो पानी के अंदर ना जाए, ये आपको सेफ्टी रखनी होगी। बीच में भले ही इसके दोनों के बीच में कुछ चिमटा, कड़छी या डंडा कोई रख सकते हैं, ताकि ये अंदर ना सरके। अंदर अगर सरक जाता है तो दिक्कत देगा और पूरा रंग आपका बेडशीट एक रंग का हो जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आधे घंटे, कम से कम आधा घंटे को बेडशीट रंगें, और फिर निकाल करके सादे पानी से जब तक धोएं, जब तक हमारा ये 2 घंटे हो गए हैं,
और अब हम इसको बेडशीट को निकाल करके सादा पानी से धोएंगे और जब तक धोएंगे जब तक इसमें रंग निकलना बंद ना हो जाए। अगर रंग निकलता है आप तब तक धोएं बाकायदा, क्योंकि अगर पहले ही निकल लेंगे तो ये कलर छोड़ेगा जो आपके लिए दुखदाई साबित होगा। फिर हम इसको देखिएगा, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी बड़े भगोने में हम दो मग्गे पानी डाल करके बेडशीट को धोएंगे। पहले ये देखिएगा कलर निकल रहा है इसमें से, जितना कलर बाद में रह जाता है वो पक्का कलर हो जाता है। जो मन में डिजाइन हो वो आप डिजाइन बना सकते हैं कपड़े के अंदर और गांठ लगा कर ही बना सकती हैं। इससे आप अपने कपड़े, बनियान, कुर्ता, बेडशीट, पर्दे जो भी चाहें वो इस मेथड से बना सकती हैं, जो अलग अलग डिजाइन में एक रंग से बनाएं, दो रंग से बनाएं, तीन रंग से बनाएं और फिर इसको निचोड़ करके छाया में सुखाएंगे। ये ध्यान रखना तेज धूप में ये नहीं सुखाई जाएगी अन्यथा कलर उड़ जाएगा इसका। अब हम इसको जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है धागा उसके ठीक नीचे बांधेंगे और बांधने पर कस के बांधेंगे एक इंच या आधा इंच। जब पूरी बेडशीट बांध लें फिर हम वही मेथड अपनाएंगे। अब हम एक गिलास पानी में रेड कलर को डालेंगे और चार चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल करके फिर हम इसको खौलाएंगे और बेडशीट को जो जगह बंधी हुई थी उसको वैसे ही रहने देंगे। पॉलीथिन से बांधी गई थी वो, उसको वैसे ही रहने देंगे और इसको डुबो देंगे, क्योंकि हमने जितना बेडशीट में पीला रंग रखना है उसको हमने उतना ही एक इंची के करीब बांध दिया है धागे से। दोबारा एक बार पहले बांधा था और उसके बाद दोबारा बांधा उसके नीचे। लाल रंग देखिए, लाल रंग खोल रहा है तेज़ी से। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और बड़े भगोने में डाल लेंगे और उसमें आधा भगोना पानी कर लेंगे ताकि चादर हमारी पूरी डूब सके। अब हमने बंधे हुई है, ये देखिए सफ़ेद रंग से दिख रहा है, पहला पीला था अब ये सफ़ेद धागा, और इसको हम डुबो देंगे। इसमें हमने डिजाइन एक गांठ की ओर लगाई है, ये देखिएगा चार कोनों में चार गांठें हैं और ऊपर हमने सुतली से बांधेंगे, धारियां आ जाएंगी जिससे, ये देखिएगा। अब इसको भी हम दो घंटे के लिए डुबो देंगे। टाई एंड डाई, इसे कहीं लोग बंधेज बोलते हैं, इसको सभी जगह पसंद किया जाता है। वैसे ये राजस्थान की मेथड है, राजस्थान में इसका काम बहुत होता है और लोग बाग इसको बना करके बिजनेस करते हैं। जिस तरह से वो बिजनेस करते हैं आप भी बिजनेस कर सकती हैं घर पर बैठ करके। 10-15 बेडशीट डरा करके उनको आप अपने घर पर रंग लें। बेडशीट मार्किन की मिलती है जो सस्ती आती हैं। ये डिजाइन है उसमें जो हमने बनाई है, ये देखिए देखिए ये जो किनारा है इसको हम सुतली से कवर करेंगे धारी में इसी अंदाज में ही, और दिल तो चने से बंधा ही है। बीच में जो जगह खाली है वहाँ पर गांठ बांधी गई है, ये जगह जो खाली है वहाँ गांठ बांधी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप एक कला, नई कला से अवगत हो रही हैं। आप अपने बच्चों को सिखा सकती हैं, बच्चे बड़े जाते हैं तो गृह विज्ञान में ये बेडशीट सिखाई जाती है, या BHSC करती हैं बच्चे आपके तो उसमें बताया जाता है। अब हम तीसरे रंग को रंगेंगे जो ब्लैक है। एक गिलास पानी में रंग डालेंगे और उसको और आप बेडशीट को हम छाया में ही सुखाएंगे। लाल रंग से रंग दिया है, ये आपको दोबारा बताने के लिए हमने फिर से लाल रंग का कर रहे हैं। इसको हम लाल रंग 10 ग्राम लाल रंग होता है जो बाज़ार में 10 रुपए का मिल जाता है।
किसी भी पंसारी की दुकान मिल जाएगा, जो हल्दी मिर्ची धनिया बेचते हैं उनकी दुकान पर ही मिल जाता है ये रंग। कहना टाई एंड डाई का रंग दे दो, बाटिक टाई एंड डाई का रंग दे दो नाम से वो रंग दे देते हैं कपड़े रंगने वाला, और आप ले आएँ और बिजनेस चालू कर सकती हैं। आप रूमाल बना के सेल कर सकती हैं, आप स्कार्फ बना के सेल कर सकती हैं, जो आपके दिल में आए वो सेल कर सकती हैं। मेजपोश बना सकती हैं, मेजपोश में और डेकोरेट कर सकती हैं। रिंग वगैरह बाज़ार में आती है उसको हम डिजाइन के ऊपर लगा देंगे, सितारे लगा देंगे डिजाइन के ऊपर ताकि वो और शाइनिंग दे। 3D कलर आते हैं कई कंपनियों के जो ट्यूब में होते हैं, जो 3D कपड़े पर ही रंग बनाए जाते हैं, डिजाइनें बना करके आप उसको कर सकती हैं। या फिर इन डिजाइनों पर ब्लैक कलर से आप और भी डिजाइन ऊपर से बना सकती हैं ब्रश के जरिए फैब्रिक रंग द्वारा, ताकि उससे नए लोग आ जाते हैं जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके घर से ही बैठ करके आपके पड़ोसी मोहल्ले के लोग बेडशीट वगैरह ले जाएं। जो लोग बेडशीट लेने आएंगे वो कहेंगे वाह नई नई डिजाइन मिलेंगी, क्योंकि उनको कहीं वैसी डिजाइन दूसरी डिजाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने एक ही बनाई है। अब हमने उसी अंदाज में ब्लैक रंग को रंगा था, ये ब्लैक रंग हो गया नीचे, और इसको सूखने के बाद हमने खोल दिया है, गांठ खोल दी है। गांठ देखिए कौन सी अच्छी थी, कितना अच्छा रंग आया है गांठ का, ये देखिएगा। अब हम सारी बेडशीट खोलेंगे, इसको हम ब्लेड की मदद से खोलेंगे, या नाइफ आता है जो पेंसिल बनाने का काम आता है बुक सेलर की दुकान में मिलता है, उसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। ये चने की डिजाइन आई है सर के लिए, दो तीन रंग का सर्किल, ये चने का। चने को थोड़ा ढीला बांधेंगे, अन्यथा चना जब भीगने के बाद फूलेगा तो आपके कपड़े को फाड़ देगा। अतः चने की नोक जो है नीचे रखेंगे बांधते समय, और गोल वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। अगर आपने चने की नोक को ऊपर रखा तो आपकी बेडशीट फट जाएगी, या जो भी रंगेंगे कपड़ा वो फट जाएगा, क्योंकि नोक फूलने के बाद बाहर निकलेगी और कपड़े को फाड़ देगी। बेडशीट को चूहों से बचा के रखें, ऐसे ढकें उसे किसी बर्तन से, रात में किसी बर्तन से बड़े बर्तन से ढक कर रखें, अन्यथा आपके घर में अगर चूहे हैं तो वो चने को काटेंगे और बेडशीट को काट देंगे कई जगह से। ये आपको ध्यान रखना है, छाया में सुखाना है। और ये हो गई डिजाइन, ये देखिएगा दिल आपको बेडशीट पर दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला दिल देखिएगा, उसमें बीच में जगह थी तो वो हमने धागे से बांध दी थी ताकि अंदर एक डिजाइन सर्किल और बन जाए, अन्यथा खाली रहता। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें।